हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। ज़्यादा ठीक नहीं हूँ, ठीक हूँ। और अभी बस जस्ट मैं ना ही हूँ सारे काम से फिनिश होके, और अभी बज गया 10। तो अभी मैं नीचे जा रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। मेरे हस्बैंड अभी नहा रहे हैं और एनी अभी सो ही रही है, वो उठ ही नहीं रही है। बहुत देर से उसको उठा रही हूँ क्योंकि आज सुबह सुबह इसने मुझे जगा दिया 5-6 बजे, और 8 बजे सोई है। तो मेरा ऐसी रूटीन रहता है। मैं भी लेट नाइट सोई थी, 1-1.5 तो बजी जाता। ये देखो मेरे फेस पे कितना बड़ा दाना निकल आया है। तो अभी मैंने इसके जो अंदर का वो होती ना कील टाइप की, वो निकाल दी है। और दाना मुझे कभी नहीं निकलता है, थोड़ा बस डाइटिंग का प्रॉब्लम जब मतलब मेरा शेड्यूल चेंज होता है ना, उस वजह से आ जाता है फेस पे। और बस इसको निकाल के मैंने इसको डिटॉल के पानी से धुल लिया है और इसमें लगा दिया है एलोवेरा जेल, जो अब बिल्कुल भी ठीक हो जाएगा। और सारे कपड़े वॉश हो चुके हैं, सारी क्लीनिंग हो चुकी है, सिर्फ बेडशीट बिछना रह गया था क्योंकि एनी नहीं उठी है, तो बेडशीट बिछाना है। और चलो चलते हैं यार, कितनी भी जल्दी करो ना लेट हो ही जाते हैं। और इतने टब भर के तो बर्तन निकलते हैं धुलने के लिए, बर्तन वहाँ नीले वाले टब में रखे क्योंकि रात में ही दूध भगोने में लेके आओ है। और सब्जी है वो भी कढ़ाई में ही होती है, राइस है हॉट पॉट में है, रोटियां है हॉट पॉट में, तो खाने के बर्तन कटोरी प्लेट वो सब हो जाते हैं, तो बहुत सारे बर्तन हो जाते। बेटू, एनी, गुड मॉर्निंग। नहीं उठना, नहीं उठोगी? क्यों, उठ जाओ, नहीं उठना है। मम्मा को जगा के कुछ छो रही हो, ये तो चीटिंग है ना, चीटिंग है ना बच्चा। क्यों? अच्छा ठीक 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 मम्मा, एनी शेम शेम। ओ मेरा जाना है, हीटेड हो रही, इसको ऐसे उठा के मैं ले जाऊंगी। और पता ना 3 दिन से इतनी ज्यादा मेरी हालत खराब थी, कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया। आज है फ्राइडे को मैं ब्लॉग बनाई, संडे को उसका बर्थडे था, संडे के बाद से आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। मतलब फ्राइडे को, मतलब जो कंटिन्यू वाली ब्लॉगिंग होती है वो आज कर रही हूँ। इतना मेरी तबीयत खराब हो गई थी, कुछ भी नहीं काम हो रहा था, ना खाना ना पीना ना झाड़ू पोछा, कुछ नहीं कर पा रही थी, बहुत तबीयत हो गई थी। और एनी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, और उसको अभी अभी हल्का सा है जुखाम वगैरह, तो उस चक्कर में बिल्कुल भी नहीं मैं। और कल तो ऐसे ना 3 दिन से अगर आप लोग मुझे देखते ना, पागल बन के ऐसे घूम रही थी ना, पूरा ऑयलिंग किया था, चोटी कस के बांध के रखी थी, कुछ भी ना कान में पहने ना गले में कुछ नहीं पहन रखा, ऐसी घूम रही थी, कुछ मन ही नहीं कर रहा था यार करने को, तो क्या मैं कर लेती। मेरा बच्चों, मेरा जाना है, मम्मा का प्यारा प्याला दुलालू है। चलो इसको उठाती हूँ, फिर आप लोगों से आके मिलूंगी। ओके एनी, हाय कर दो, सब लोग आपके गुड मॉर्निंग का वेट कर रहे हैं। नहीं करोगी? नहीं करोगी? अच्छा तो बाय कर दो सबको फिर। सो फ्रेंड्स, हम बैठे हुए हैं अभी, आटा लगा के रख दिया है, सब्जी भी बन गई है, और मैं अपने लिए सब्जी अलग बना रही हूँ क्योंकि बैंगन की सब्जी बन रही है तो मैं बैंगन नहीं खाती हूँ। और अभी नाश्ता भी हो चुका है, बज गया है 12, नाश्ता बहुत पहले हो गया, तो खाना बस रोटियां मैं फटाफट सेक देती हूँ जाके। तो मैंने बनाई थी चने, चने फ्राई किए थे। तो चने क्या है, आप लोग सोचते होंगे हर बार मैं चने बताती हूँ क्योंकि यहाँ पे सब लोग चने ज़्यादा खाते हैं, फ्राई नहीं बॉईल करे हुए, जिसमें जैसे नहीं नॉर्मल मिलते हैं प्याज और टमाटर ऐसे टाइप में चाट बना देते हैं वो वाले, लेकिन मैंने नहीं खाए, वो भी मैंने सिर्फ दूध और चाय पी है क्योंकि मेरी तबीयत इतने से खराब चल रही है, तो मैं अवॉइड कर रही हूँ जो बादी करती है चीजें, नुकसान करती है, चने भी बादी करते हैं, बैगन भी बादी है, तो
तो मैं अवॉइड कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। अभी बस मैं जा रही हूँ, रोटियाँ फटाफट मैं सेक लेती हूँ। आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को किचन का थोड़ा बहुत दिखा दूँ। मतलब बहुत दिन से आप लोग मिस कर रहे थे कि रोटी वोटी का कुछ नहीं मैं दिखा पा रही थी, तो चलो मैं फटाफट रोटी सेक लेती हूँ, फिर आगे आप लोगों से बात करूँगी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने की सोच रही थी, बट थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो पा रही है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सबसे पहले पे डाल दूँगी, शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। तो अभी मैंने सिर्फ ऐसे ही ट्रिम करके वो कर दिया है, नहीं हो पा रहा, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो रोटी अभी मेरी सिक के रेडी हो गई हैं और सब्जी भी बन के रेडी हो जा रही है, बहुत ही अच्छी ये सब्जी बनती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये रेसिपी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, बहुत ही अच्छी है। वहाँ पे मैं गाय की रोटी बना रही हूँ और पहली रोटी में जो भी बनाती हूँ वो छोटी बनाती हूँ, लास्ट की हमेशा बड़ी, कहते हैं ना लास्ट की रोटी हमेशा बड़ी बनानी चाहिए, परिवार हमेशा इससे बढ़ता है। एक्साइटेड हो रही, ऊपर आज छत पे आ गए लेके इसको नहलाने, तबीयत नहीं ठीक है ना, तो धूप में नहलाई, खाना बन गया था, तो यहाँ पे छाया में चटाई बिछा ली है, 1:30 बज गया है और यहाँ पे पूरा धूप है बहुत तेजी वाले। इधर आ सोना, जूजू फेंकने गए, जूजू चलो नेल्स पहले कट कराओ, ईयर साफ, इधर देखो, कह दो हाय, मेरी तबीयत नहीं, कह दो मेरी तबीयत नहीं सही है, अनु एनी बोलो प्लीज, एक बार प्लीज कर दो सबसे, शांत कैसे बोलती हो बाबू, शांत शांत कैसे बोलती हो, नहीं इतने नहीं, क्वाइट बोलो, क्वाइट क्वाइट बोलो, प्लीज प्लीज, अल्ली मेरी छोनू मुन्नू, चलो जल्दी आओ फटाफट, एनु बैठ जाओ, हाँ क्या चाहिए, अबे उसमें बिठा लेंगे, टप लाए हैं मम्मा, पहले मम्मा है ना, पहले मम्मा एनु कराएंगे ना, वो देखो पीछे भी टप रखा है ना आपका, इसमें फिर कराएंगे, क्या चाहिए आप, एनु इधर सुनो, पहले इसमें बिठा लेंगे, पहले ये पहले पहले मम्मा फिर एनु, क्या हो गया, लुइया नहीं आती है बात। सो फ्रेंड्स, हम अभी फ्री हो चुके हैं, खाना वाना भी खा लिए थे और अभी हेयर कॉम करना है, हेयर कॉम नहीं किया, बाल अभी तक देखो मेरे गीले हैं बट बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहे हैं, पता नहीं ऑयल किया तो उसकी वजह से लग रहे हैं या फिर शैम्पू किया है उसकी वजह से लग रहे हैं, लेकिन जो भी है बहुत ही सिल्की हो रहे हैं बाल, आप लोग खुद ही देख रहे होंगे बहुत सिल्की हो जाते हैं मेरे हेयर। तो अभी खाना पीना करके एनी को भी सुला दिए हैं, खाना भी खा लिए थे और सब्जी बहुत ही यम बनी थी, आप लोग जरूर बना के ट्राई कीजिएगा, शायद मैं सेकंड टाइम पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ या फर्स्ट टाइम पे जो भी है। तो अभी दोपहर का टाइम है, ईयरिंग्स वगैरह कुछ नहीं पहने पहने हैं, तो मुझे आप लोगों से एक टॉपिक पे बात करनी थी। एक लिमिट होती है, एक क्रॉस होती है, मतलब वो होती है ना, लिमिट को क्रॉस नहीं करना होता, बट शोर हो रहा होगा, आवाज़ आ रही होगी इधर उधर से क्योंकि चहल पहल है, चारों तरफ आवाजें चल रही हैं और इस चक्कर में आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो उसके लिए सॉरी, इग्नोर कर देना। तो एक लिमिट होती है और मैं नहीं चाहती कि हर ब्लॉग में मैं यही सब चीज़ें लेके आऊँ, मैं अपनी बातें रखूँ, अपना काम दिखाऊँ, वो चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है और मैं कोई उस इंसान को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ, कोई भी अदर पर्सन हो, किसी भी अदर पर्सन को मैं अपनी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ कि मेरी लाइफ में आके कुचुड़ पुचुड़ करे, इतना किसी को कहने का हक नहीं है, चाहे वो मेरी फैमिली से हो या फिर अदर जगह से, अदर प्लेस से, कहीं से भी हो, मैं इतना किसी को, कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा क्लोज में किसी को नहीं रखती हूँ, हैं एक आधी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा क्लोज है, मैं उन्हीं से हर बात शेयर करती हूँ, हर किसी से नहीं करती हूँ हर एक, पर जब तक मुझे उन लोग का नेचर अच्छे से समझ में नहीं है, सामने वाला क्या होता है, मेरे सीधेपन का फ़ायदा उठाता है, एकदम वैसे हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, हावी हो जाता है एकदम से, हावी है, तो वो चीज़ होती है। तो चलो वो छोड़ो, अभी तक बात थी मेरे ऊपर, ठीक है, जो भी मेरे ऊपर बात थी मैं सुनती रही, मैं कुछ नहीं बोलती थी, मैंने कहा चलो एक ना एक दिन कुछ समझ में आएगा। फिर क्या हुआ, फिर मेरे हस्बैंड को मतलब शामिल कर लिया, मेरे हस्बैंड तो यार ब्लॉग में कभी आते ही नहीं है,
वो बहुत ही कभी कभार ही ब्लॉग में नजर आते हैं, है ना। वो खुद इतने सिंपल टाइप के हैं, उनको ज्यादा चिक चिक बाजी से मतलब नहीं है, क्या तुम कर रही हो क्या नहीं कर रही हो, उन सब मामलों से उन्हें खुद नहीं इतना वो है। वो उनको लेके बोला, फिर भी मैंने उनको बोला, उन्होंने बोला जाने दो, है पहले तरीके से तो हम लोग छोड़ ही देते, नहीं इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेते। लेकिन यार बात मेरे पे थी चली गई, बात मेरे हस्बैंड पे थी चली गई। अब क्या आ रहा है, मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, मेरी बेटी। ठीक है, बेटी के ऊपर अगर बात आएगी ना तो फिर हम कैसे शांत बैठ सकते हैं। मेरे हस्बैंड बोले भी कि ठीक है देखते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा थोड़ा सोच समझ के वो उसका आंसर देंगे। लेकिन मैंने कहा मैं ब्लॉग यहाँ शूट कर रही हूँ तो ब्लॉग में बता ही देती हूँ, है कोई बंदा जो इतना जलता है, इतना फ्रस्ट्रेट होता है मुझे देख के, मेरी वीडियो को इतना फ्रस्ट्रेटिंग बताता है, मतलब इतना ज्यादा वो कर रहा है। मैं कोई इसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रही हूँ, वरना उसके दिमाग इतने ज्यादा खराब हो जाएंगे, मेरे को इम्पोर्टेंस मिल रही है, मिल रहा है, वो मिल रहा है, तो फालतू का ड्रामा नहीं करना है। तो मेरी बेटी को उल्टा सीधा बोल रहा है कि आपकी बेटी अच्छी नहीं लगती है, आपकी बेटी ये। अरे यार एक माँ के लिए सही, उसका बच्चा कैसा भी होता है उसको खुद अच्छा लगता है। मैं अपने मुंह से अपनी बेटी की बड़ाई नहीं करती हूँ, ये आसपास के लोग मेरे रिलेशन में, मेरे यहाँ मतलब हाफ फैमिली बैकग्राउंड में एंड फ्रेंडशिप में सब लोग जानते हैं कि मेरी बेटी सबको कितनी प्यारी है, उसकी एक्टिविटीज है और उसकी जो बातें करना इस एज में, तो वो सबके लिए प्यारी है, सब बहुत प्यार करते हैं उसको, तो मुझे अच्छा लगता है। एक्टिविटीज इतनी अच्छी अच्छी करती है, बस अभी थोड़ा सा उसको नज़र वजर लग गया तो उसकी तबीयत नहीं ठीक चल रही है। तो मेरी बेटी को बुरा बोला है, ठीक है कम से कम ये तो सोच लेते, मेरे तक बोल रहे थे, लिमिट थी, मेरे हस्बैंड को बोल रहे थे, चलो ठीक था। लेकिन एक छोटी सी बच्ची ने क्या बिगाड़ा आपका, वो चीज़ सोचनी चाहिए, मैं गुस्से में नहीं बोल रही हूँ, वो चीज़ सोचनी चाहिए। अदर मेरा ही बच्चा है, कल किसी और का बच्चा हो तो उसके लिए कभी मत बोलो। मैं किसी और के बच्चे के लिए भी ऐसा कभी नहीं सोचती हूँ, सबके बच्चे सब माँ के लिए बराबर ही होते, सब अच्छे होते हैं, तो थोड़ा कायदे में लिमिट में रह के बात करियो भाई। ठीक है, वो मेरे उसमें ही पड़ता है, क्या बोलते हैं, मतलब जो हमारी का, चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जो भी है उसमें ही पड़ता है। और वो शायद मेरे ख्याल से कोई होगा, जान पर्चे वाला ही होगा या फिर कुछ वैसा होगा। लेकिन जो भी है कायदे में रहियो, अगर आइंदा से तुम्हारी ये लिमिट क्रॉस होते हुए दिखी ना तो तुम्हारे साथ क्या होगा ना वो समझ लेना, पर जो मुंह है ना इतना से ना इतना फुला के मार मार के कर देंगे, अकल ठिकाने भी आ जाएगी। तो वही बात मैं आप लोगों से आज बोलने वाली थी। हस्बैंड का होता है चल जाता है, मेरा होता है मेरा चल जाता है, लेकिन मेरी बेटी के ऊपर अगर कोई कुछ यहाँ पे बोलेगा आगे ना तो हमें शांत नहीं रहने वाली। ये बात कायदे से आप लोग सुन लीजिएगा, इतना ज्यादा धुआं भर चुका है यहाँ पे, धुआं की वजह से बैठना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पास में ना इनके यहाँ क्या बोलते हैं चाट बतासे बनते रहते हैं तो उसके धुएं भर जाते हैं। तो बस मुझे यही आप लोगों से बात करनी थी, क्योंकि ब्लॉग करना था एंड मैंने कहा बात कर ली। अभी ना डकार ले रहे हैं बैठ के, अभी खाना खाए, बिग पता बिग बॉस देख रहे थे, मैं इतने दिन से कह रही थी मैं बिग बॉस छूट रहा है, बिग बॉस देखा, बिग बॉस देखा, ये देखो ये कैसे खड़े एकदम पोज मार रहे हैं ना, कैसे पोज मार रहे हैं, चल रहा है, लेकिन आपका डाटा उड़ गया। तो चलो गैस, तो चलो मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बस आप लोग अच्छी अच्छी दुआएं करो हमारे लिए कि सब कुछ जल्दी जल्दी अच्छा हो जाए, मेरी बेटी ठीक हो जाए, हम सब अच्छे हो जाए, अच्छा खासा लाइफ में चलने लगे। सो बाय बाय, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय।